हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स बाय शुभम। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, पिछला जो वीडियो मैंने जो अपलोड किया था वो वैष्णो देवी माता जी का मंदिर हम जो स्टेप से हम जो है चढ़कर ऊपर गए थे, लेकिन आज हम एक दूसरे रास्ता से हम जा रहे हैं जो कि फोर व्हीलर भी पूरा मंदिर के ऊपर तक जाता है। तो चलिए, फास्ट जो है वेंकटेश्वर मंदिर फास्ट आ जाता है, लेकिन उसके बाद जो है 100 या फिर 150 मीटर की दूरी पर जो है वैष्णो देवी माता जी का मंदिर, ये जो आप लेफ्ट साइड में आप जो देख पा रहे होंगे, ये जो है वेंकटेश्वर मंदिर का जो है वो मेन एंट्रेंस है, लेकिन ये जो है अभी जो है कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो थोड़ा आगे जो है मंदिर वहीं पर है, जो आप देख पा रहे होंगे जो कार जो खड़ी हुई है। अभी तो इवनिंग का टाइम है, तो सोचे कि वेंकटेश्वर मंदिर आए हैं, उसके पास में ही तो वैष्णो देवी माता रानी का मंदिर है, तो चलिए वहाँ पर भी एक बार घूम आते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दिखाया था वो सेम चीज़, लेकिन थोड़ा सा जो है इवनिंग टाइम में जो है उसका व्यू जो है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो चलिए वहाँ से हम जो है माता रानी का जो दर्शन करके आते हैं, देन फिर जो है वेंकटेश्वर मंदिर में शायद जो है वहाँ से दर्शन करने के बाद थोड़ा सा लेट हो जाएगा, तो उसमें जो है आरती का टाइम हो जाता है, तो शायद आरती देखने का जो है सौभाग्य हमको मिल जाए। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम माता रानी का दर्शन करके चले आए हैं, एंड ये है वेंकटेश्वर मंदिर। पिछली बार जो दिन में आए थे तो जो है थोड़ी सी दिक्कत की वजह से जो है वेंकटेश्वर मंदिर दर्शन नहीं कर पाए थे, लेकिन आज जो है पूरा दर्शन करके जाएंगे। तो ये जो है मेन एंट्रेंस, तो वो जो पहले मैंने दिखाया था वो कंस्ट्रक्शन चल रहा। तो फ्रेंड्स, चलिए मंदिर के अंदर एंटर करते हैं।